नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। स्लग छेड़खानी के विरोध करने पर दबंगों ने लड़की के पिता पर किया जानलेवा हमला। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के दादनपुर गांव में शाम पुलिस तक हड़कंप में आ गई। जब अधिकारियों के पास यह सूचना पहुंची कि कुछ दबंग लोगों ने 55 वर्षीय एक व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की, मौके पर कई थानों की पुलिस बल पहुंच गई। मामला दादनपुर झलवा का है, जहां दुर्गा सिंह नाम की महिला ने रोहित भारतीय, गुड्डू भारतीय, राजेश पासी व राजेश भारतीय फलवाले पर आरोप लगाया कि चारों ने मिलकर उनकी बेटी के साथ अभद्रता की। उन्होंने बताया रोहित की नियत पहले से ही उनकी बेटी पर खराब थी। मौका पाकर चारों ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की। शोरगुल सुन परिवार के सदस्य पहुंचे तो पति को बेरहमी से मार मार कर अधमरा कर दिया। बेटियों के साथ अश्लीलता की गई, कपड़े फाड़ दिए गए। पूरे परिवार को पिस्तौल के दम पर डराया धमकाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। महिला ने थाना प्रभारी धूमनगंज, SSP व जिला अधिकारी महोदय से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी धूमनगंज RK मौर्या जी ने पीड़ित व उसके परिवार को आश्वासन दिया कि मुकदमा लिख कर दोषी आरोपियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाइट पीड़ित लड़की की बहन, प्रयागराज से राजीव की रिपोर्ट। क्या हुआ था? कि लोग रोज जब भी आप निकलती बदतमीजी करते हैं? हाँ, सामान लेने जा रही थी तो फिर रोहित और उसके साथ 4-5 लड़के थे, मेरा हाथ पकड़ के खींच ले गए, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। काफ़ी जगह उन्होंने टच किया, मैंने शोर मचाया तो शोर शराबा सुन के मेरे पापा और बहन भाई लोग आए तो उनको उनके साथ मार पिटाई किए हैं। कितने लोग रहे होंगे आप? करीब 4-5 लोग रहे होंगे और उनकी मम्मी और पापा भी थे साथ में। ये अक्सर तुम लोग तुमको छेड़ते रहते हैं? हाँ, आए दिन अक्सर छेड़ते रहते हैं। पुलिस में कंप्लेंट किया था? पुलिस में कंप्लेंट तो किया था लेकिन कोई सुनवाई वगैरह नहीं हुई थी।